हेलो इमरान, वेलकम बैक टू माय चैनल सिस्टर्स गुड लाइफ। आप लोग सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ कि अच्छे ही होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज का ब्लॉग कुछ स्पेशल ब्लॉग होने वाला है। तो आज कुछ खास डे है, तो वो है बंगाली का, हर बंगाली का ही है, होता है जमाई षष्ठी बोलते हैं हम लोग बंगाली में, वो जमाई षष्ठी है आज। मेरी मम्मी मेरे हस्बैंड को षष्ठी पूजा देंगे, मतलब आशीर्वाद देते हैं, कुछ षष्ठी पूजा बोलते हैं, वो करके आशीर्वाद देते हैं मेरे हस्बैंड के लिए। मतलब हर सास अपने जमाई को षष्ठी पूजा देते हैं, तो मतलब मुझे भी दे पाएंगे, पर स्पेशली जमाई के लिए होता है, इसके नाम भी है इसका जमाई षष्ठी। तो शादी के बाद पहली बार हम षष्ठी ले रहे हैं मम्मी से, क्योंकि शादी के मतलब बाद हम षष्ठी में कभी भी नहीं गए हैं, घर नहीं गए हैं। तो इस बार क्या हुआ कि मम्मी अनफॉर्चुनेटली मतलब वैकेशन पे हमारे घर आ गई है घूमने के लिए, षष्ठी उस टाइम ही पड़ गया है। मम्मी बोली इस बार तो हम ज़रूर देंगे, क्योंकि कभी भी दे नहीं पाते षष्ठी में, तो इस बार जब है तो मैं ज़रूर दूँगी। तो इसलिए कल हम बाज़ार भी गए हैं, पूरा बाज़ार टाज़ार करके हम आए हैं षष्ठी के लिए। पर बंगाली कल्चर है, उड़ीसा में रहते हैं, तो सब कुछ तो नहीं मिलता, जितना तक हो पाए मम्मी देगी और आप लोगों को हम दिखाएंगे, कोशिश करेंगे जितना तक हो पाए शेयर करेंगे मम्मी कैसे देगी पूजा। तो छोटा मोटा ब्लॉग एक होगा, तो आप लोग एंजॉय करते रहना, अच्छा लगेगा, आशा करती हूँ कि आप लोगों को। मेरी मम्मी फिर काम पे लग गई है ऑलरेडी कुछ प्याज वगैरह कुछ काट कर रही है। आज मम्मी अपने हाथों से कुछ बनाएगी देगी तो मेरी मम्मी कुकिंग का कुछ तैयारी करके, थोड़ा बहुत कटिंग वगैरह करके फिर आ गई है नहा धो के पूजा देने के लिए, जो है षष्ठी पूजा। तो षष्ठी पूजा देने के लिए अभी मम्मी तैयार कर रही है सारी चीज़, तो आप लोग देखते रहिए, आशा करती हूँ ये ब्लॉग आप लोग अच्छा लगेगा ज़रूर। तो सुबह सुबह जाके मेरे पापा और मेरे हस्बैंड जाके लेके आए हैं सारे बाज़ार, जो सब्जी बाज़ार और भगवान जी को चढ़ाने के लिए जो जो फ्रूट्स और फूल वगैरह चाहिए, तो सारी चीज़ मम्मी इधर पे रेडी कर रही है। और सारे फ्रूट्स तो मिल गया है, पर जो मेन फ्रूट्स चाहिए होता है वो है कटहल, और कटहल नहीं मिला, मतलब अच्छा वाला कटहल नहीं मिला था, मतलब थोड़ा कच्चा कच्चा कटहल ऐसे मिल रहा था, अच्छा नहीं मिल रहा था। तो अभी चाहिए होता है, पर कोई बात नहीं, अभी कटहल नहीं मिला है तो कुछ करने का कर तो नहीं सकते हम, तो कटहल के बिना ही आज मम्मी पूजा देंगी। बाकी सारे फ्रूट्स तो मिल गए, सिर्फ कटहल ही नहीं मिला है। तो इधर पे देखिए सारे सब्जी जो लाए हैं, सब्जी मार्केट जाके, तो सब्जी बहुत सारे लाए हैं, और इधर पे फिश चिकन वगैरह भी लाए हैं, तो ये सारी चीज़ आज कुकिंग होने वाला है। तो इधर पे मम्मी आगे पूजा दे रही है, तो पूजा देने के बाद ही फिर जाएंगे मम्मी कुकिंग करने के लिए। तो मम्मी बोल रही है आज मम्मी सब कुछ करेगी, फिर भी मम्मी पूजा देगी और कुकिंग भी करेगी, इतनी सारी चीज़ तो टाइम में कवर नहीं हो पाएगा, तो लेट हो जाएगा, और मम्मी सारी चीज़ मैं हूँ तो मम्मी क्यों करेगी। तो इधर पे मम्मी पूजा दे रही है और मैं इधर पे चिकन जो फिश वगैरह है वो धो के फिर अच्छी तरह से मैंने मतलब कुकिंग थोड़ा थोड़ा स्टार्ट कर दिया है, और मम्मी इधर पर पूजा दे रही है, तो मम्मी पूजा देते देते मैं थोड़ा बहुत कुछ कर लूँगी इधर पर। और ये देखिए मम्मी धागा रेडी कर रही है, षष्ठी में धागा बनना ज़रूरी होता है, तो धागे में फूल बेलपत्ता और ये सब दे के धागे को रेडी करना पड़ता है। तो ये धागा ही मतलब आशीर्वाद के स्वरूप हम लोग को देगी बांध के मम्मी। तो ये देखिए, तो अभी मम्मी लगभग सब कुछ रेडी कर चुकी है ऑलरेडी, तो आप लोग देखते रहिए, आप लोगों को ज़रूर ये ब्लॉग अच्छा लगेगा।
और ये देखिए ये एक पेड़ है, इसको भी पूजा करना पड़ता है। और मम्मी ये पेड़ मतलब हमारे त्रिपुरा से लाए हैं और ये पेड़ थोड़ा सा सूख गया है, पर ये पूरा ग्रीन कलर का था पर अभी थोड़ा सूख गया है क्योंकि बहुत दिन हो गया था ये पेड़ तो इसलिए। और इस पेड़ में भी मम्मी मंत्र कर मतलब मंत्र पढ़ के फिर इस पेड़ को भी बांध रही है, कुछ कर रही है, आप लोग देखते रहिए। जो लोग बंगाली हैं शायद उन लोगों को पता होगा, पर जो नॉन बंगाली लोग हैं उन लोगों को तो पता नहीं होगा, तो आप लोग देखिए आप लोगों को ज़रूर अच्छा लगेगा। तो मेरी मम्मी पहली बार अपनी जमाई को मतलब षोष्ठी देगी, तो मतलब हम लोगों का शादी हो गया है, 3 साल हो गए हैं पर अभी तक मतलब षोष्ठी दे नहीं पाई है मेरी मम्मी, तो इस बार पहली बार देंगी, इसलिए मम्मी बहुत ही मन से पूजा कर रही है। और उड़ीसा में सारी चीज़ आपको मिलता भी नहीं है, बहुत ही मुश्किल है मिलना, और हम लोग को उधर पे क्या होता है कि आसानी से सारी चीज़ मतलब पूजा के दिन मिल जाता है, पर इधर पे बहुत ही मुश्किल है क्योंकि इधर पे रिचुअल्स तो है नहीं, तो बहुत ही मुश्किल है। और बहुत मुश्किल से सारी चीज़, कुछ कुछ चीज़ तो मिला है, कुछ कुछ चीज़ नहीं मिला है, बहुत मतलब मुश्किल से अरेंज हुआ है चीज़ सारी चीज़, तो मम्मी कोशिश कर रही है उसमें ही अच्छे तरह से पूजा कम्प्लीट कर पाए। और ये षोष्ठी पूजा बहुत ही खास होता है हर सास के लिए, क्योंकि हर सास मतलब साल में एक बार जमाई के लिए पूजा रखती है और षोष्ठी देती है, तो बहुत ही खास रहता है, और पहली षोष्ठी जो होता है वो बहुत ज़्यादा खास रहता है। तो वही, और मैं आप लोगों से सॉरी कहना चाहूँगी कि मैं ये वीडियो देने में थोड़ा लेट कर दिया, थोड़ा नहीं बोलूँगी, बहुत ही ज़्यादा लेट कर दिया, क्योंकि षोष्ठी पूजा बहुत ही आगे चला गया है और ये वीडियो मैं बहुत ही लेट अपलोड कर रही हूँ, और इसलिए सॉरी बोलना चाहूँगी कि मेरा थोड़ा सा हेक्टिक शेड्यूल के कारण एडिटिंग नहीं हो पाई है, तो इसलिए मैं अपलोड थोड़ा सा लेट कर रही हूँ। और इतना स्पेशल डे का वीडियो मैं बना के रखी हुई हूँ और आप लोगों से शेयर नहीं कर रही हूँ तो हो नहीं सकता, तो आप लोगों से ये स्पेशल डे का वीडियो ज़रूर शेयर करना था, इसलिए मैं अपलोड किया कि आप लोग भी देख पाओ हमारी बंगाली का जो कल्चर कैसा होता है, सारे पूजा वगैरह कैसे होते हैं। और इधर पे पूजा कंप्लीट करने के बाद मम्मी आ गई है किचन पे मुझे हेल्प करने के लिए, तो मम्मी बोल रही थी मम्मी सारी चीज़ करेगी, पर मैं बोल रही थी नहीं मैं क्या करूँगी, तो सारे दिन तुम तो पूजा दिए हो तो मैं थोड़ा थोड़ा कुकिंग कर लेती हूँ। तो मैं इधर पे लगभग मेरा चिकन देखिए हो गया है और इधर फिश फ्राई भी मैंने बैठा दिया है, फिश भी मैं ही बनाऊँगी और मम्मी बाकी सब्ज़ी वगैरह बना लेगी। तो अभी खाना वाना बन रहा है अच्छी तरह से, मम्मी भी सर काम में लगी हुई है और मैं भी काम पे लगी हुई हूँ, तो खाना बन रहा है, तो मम्मी पूजा वगैरह और दे चुकी है और अभी हम लोग इधर भी चिकन और फिश अभी बैठा दिया, तो फिर सब्जी होगा, फिर फ्राई होगा, कुछ तो बहुत सारी चीज़ बाकी है, आप लोग देखते रहिए मेरे ब्लॉग को। तो इधर भी चिकन मेरा हो गया है डन, ये देसी चिकन था, और इधर पे फिश के लिए मैं ग्रेवी बना रही हूँ, और इधर पे मम्मी देखिए सब्जी बना रही है, सब्जी फ्राई वगैरह मम्मी बनाएगी बोल रही है। और ये देखिए फिश करी एकदम बंगाली स्टाइल टमाटर से, एकदम बहुत ही खूबसूरत कलर दे रहा है और कलर से पता चल रहा है कि खाने में भी बहुत ही टेस्ट होने वाला है। और इधर पे मम्मी फ्राई वगैरह बना रही है, और ये मिक्स वेज एकदम रेडी हो गया है, अभी इसको रख देंगे ढक के आराम से। तो ये देखिए चिकन करी और इधर पे फिश फ्राई भी कुछ रखी हुई हूँ और दाल एकदम, और इधर पे है मिक्स वेज और इधर पे फिश करी, और कुछ फ्राई वगैरह भी बन रहा है मम्मी बना रही है, वो भी ऐड होगा इधर पे। तो हम रेडी हो चुके हैं और जमाई कहाँ है, जमाई, हाँ जमाई भी रेडी हो चुके हैं, तो हमने कपल ड्रेस पहना है, सो
इधर पे देखिए मेरे पापा भी रेडी हो चुके हैं। पापा हाय बोल दो। जो मम्मी देने वाली है वो भी रेडी है। और इधर पे मैं दिखा रही हूँ आपको। तो अभी शाम हो गया है, तो अभी मम्मी हम लोगों को षोष्ठी देगी। तो सुबह में जो पूजा दी थी मम्मी, तो अभी षोष्ठी देगी हम लोगों को, हम लोग का आशीर्वाद देगी मम्मी। तो चलो बैठो बैठो जी। जमाई षोष्ठी है आज। आपका दिन है, बैठ जाओ। तो इधर पे स्टार्ट हो गया है षोष्ठी देना, तो आप लोग देखते रहिए, तो आप लोगों के ब्लॉग ज़रूर अच्छा लगेगा। जो लोग बंगाली है तो पता है, पर नॉन बंगाली लोग जो जो भी मेरे वीडियो देख रहे हैं, तो आप लोग भी देखिए, एक बंगाली का स्पेशल ओकेशन है जो हर सास अपने जमाई को बहुत ही प्यार से षोष्ठी का आशीर्वाद देती है। तो आप लोग एंजॉय कीजिए इस वीडियो को। तो षोष्ठी देना हो गया है कंप्लीट। अभी जो सेशन आएगा वो है गिफ्ट, गिफ्ट भी देना पड़ता है, वो भी रिचुअल्स में आता है। तो मम्मी भी देगी और हम लोग भी मम्मी को देंगे, तो देखते रहिए। और ये है मम्मी का गिफ्ट, और ये हम पापा को दे रहे हैं गिफ्ट। तो अभी सारी चीज़ कंप्लीट हो चुका है। तो अभी जो होता है कि जमाई जो होता है, मेनली तो जमाई षोष्ठी है, तो जमाई जो होता है, जमाई को आराम से खाना दिया जाता है, एकदम सासू माँ देते हैं खाना, एकदम पूरा डिश वगैरह सजा के रेडी करके एक साथ आराम से बैठ के जमाई इस खाने को एंजॉय करते हैं। तो मैं शेयर करने के लिए आ गई हूँ कि मुझे षोष्ठी में क्या क्या मिला मुझे और मेरे हस्बैंड को, तो थोड़ा सा मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। तो ये है, तो मैं आप भी बैग के मदद से आप लोगों को दिखाती हूँ। ये है मेरे हस्बैंड के, ये मेरे हस्बैंड के हस्बैंड को दिया है मम्मी ने। ये देखिए ये वाला टी शर्ट, ये
टी शर्ट, और एक दिया है ये शर्ट, ये वाला शर्ट दिया है। तो ये है मेरे हस्बैंड का, और मुझे तो दिया गया, मैं दिखाती हूँ। तो ये मुझे कुर्ता मिला है, ये देखिए, ये बहुत ही प्यारा लगा मुझे ये वाला कुर्ता, ये वाइट में है, बहुत ही खूबसूरत है, इसका डिज़ाइन भी बहुत अच्छा लगा। तो ऐसा है कुर्ता, और एक मिला है मुझे, ये भी बहुत प्यारा सा कलर है, ब्लू, ब्लू भी मेरा बहुत फेवरेट कलर में एक है, और ये है ये। ये देखिए, इधर में एक फीता भी है, और गले का डिज़ाइन थोड़ा यूनिक है, अच्छा लगा। ये देखिए हाथ में भी डिज़ाइन, ये थोड़ा लॉन्ग में है, थोड़ा लॉन्ग में है, ये फुल लॉन्ग है मेरा, ये देखिए। तो ये था हमारा गिफ्ट, मैंने आपको पूरा गिफ्ट दिखा दिया है, क्या क्या मिला मुझे और मेरे हस्बैंड को। तो आप लोगों को कैसा लगा मेरा फुल ब्लॉग, प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताना। अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर करना मेरे वीडियो को, और जो लोग न्यू व्यूअर्स है प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को, और पास में एक बेल आइकन है उसको भी प्रेस करके रखना, तो मेरे हर दिन का वीडियो का नोटिफिकेशन पहले आपके मोबाइल पे ही आएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक दिन न्यू ब्लॉग के साथ हाजिर होंगी। तो टाटा बाय।